अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन के MBA प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन काफ़ी कम फीस ले रही है बहुत सारे कोर्सेज में। MBA में भी काफ़ी कम फीस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सबसे कम है, लेकिन बहरहाल एज़ कम्पेयर टू बाकी इस रीजन की जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उससे काफ़ी कम है। और उसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि IELTS की रिक्वायरमेंट क्या है, पेमेंट प्लान के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेमेंट प्लान के बारे में नहीं पता होता है, या पता होता है तो फिर भी वो बाकी यूनिवर्सिटी को ऐसे कंपेयर नहीं कर पाते। सो उस वजह से यूनिवर्सिटी ये बहुत बेहतरीन है अपने पेमेंट प्लान के वजह से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की कोर्स गाइडेंस को। तो व्यूअर्स, फुल टाइम कोर्स है ये 1 ईयर का, और उसके अलावा सितंबर में भी शुरू हो रहा है और जनवरी में शुरू होता है। अगर फीस की बात करें तो फीस 14,900 है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और ये इनकी जो मेन लोकेशन है वाटरसाइड, इनका जो कैंपस है उसी में ही ये कोर्स हो रहा है। लेकिन अगर आप फीस को, जैसा मैंने बताया कि उसके बारे में आप इतने वरी मत होइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आगे 30% डिस्काउंट दिया है पोस्ट ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। सो अगर आप देखें, इसको कैलकुलेट करें तो 30% बन जाता है ऑलमोस्ट 4,470। तो आप देख लेंगे आपके अगर 4,470 यानी 4,500 आपके ऑलमोस्ट अगर कम हो जाए तो 10,400 बनते हैं। सो काफ़ी कम है फीस। और उसके अलावा अगर आप आगे चल के इसके पेमेंट प्लान को भी समझने की कोशिश करें तो अगर आपने यूनिवर्सिटी को 25% फीस पे कर दी है, यानी आपने अगर आपने 3,000 या 2,600 पे कर दी है तो आपके लिए बाकी फीस पे करना हर मंथ 1,000 ऑलमोस्ट तो काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर आप सितंबर में एडमिशन ले रहे हैं तो आप देख लें कि 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो इंस्टॉलमेंट भी नवंबर में शुरू होंगी। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, आपने चूँकि 25% पे की होती है यहीं से पाकिस्तान से, तो आपको एटलीस्ट 1 महीना 2 महीने आपको मिल जाते हैं। आप सितंबर में वहाँ पहुँचे हैं, अक्टूबर का महीना गुजर गया, आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर लिया, आपने कहीं जॉब भी सर्च करना शुरू कर दी और होपफुली मिल भी जाती है 2 मंथ में। क्रिसमस सीजन होता है सितंबर में खास तौर पर, तो आपने फिर नवंबर में आप जाके आपको आपकी फीस देना थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, जो जाते साथ ही आप एनरोल कराते हैं तो आपसे फीस मांगना शुरू कर देते हैं, या 2-3 महीने बाद आपसे 50% फीस मांगना शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए फीस पे करना फिर इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सो अगर मॉड्यूल को देखें तो मॉड्यूल ये वो है बेसिकली पाकिस्तान में वो लोग इस कोर्स को लेते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में BBA या BA 4 ईयर्स का या BCom 4 ईयर्स का किया होता है, या इवन के 2 ईयर्स का भी, तो वो लोग ये लेते हैं। तो काफ़ी वो स्ट्रगल करते हैं अगर MBA प्रोग्राम में अकाउंटेंसी का कोई कोर्स हो तो, क्योंकि अकाउंटेंसी इन्होंने पहले नहीं पढ़ी होती तो उनके लिए समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें अगर आप मॉड्यूल्स को देखें तो सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड जो 2 सब्जेक्ट हैं ये थोड़े मुश्किल होते हैं, और बाकी जो थ्योरेटिकल हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते। और आप देख लें कि ये थोड़े से सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्रेडिट आवर्स कम हैं, सो आपके लिए इसको पास करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स तो कम होते हैं, लेकिन उनके जो क्रेडिट आवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो स्टूडेंट्स पर काफ़ी वो स्ट्रेस पड़ जाता है स्टडी का। आगे बात करें एंट्री रिक्वायरमेंट्स की। एंट्री रिक्वायरमेंट्स 2nd क्लास ऑनर्स डिग्री यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करिए, दैट मीन्स आपके पाकिस्तान में 4 ईयर्स बैचलर होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो नंबर्स हैं वो 2.6 GPA से कम नहीं होने चाहिए, और अगर आपकी परसेंटेज है तो 55% आप समझ लें, इससे कम नहीं होंगे। अगर आपका स्टडी गैप है तो फिर आप समझ लें कि आपको वर्क एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, और अगर नंबर भी कम है तो वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन फिर आपको यूनिवर्सिटी की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर आपको एडमिशन देना चाहिए तो दे दें, अगर उनको ना सूट करें, उनको आप सेटिस्फाई ना कर पाएँ तो फिर वो आपको एडमिशन नहीं देंगी। और अगर 6.5 IELTS की बात की जाए तो इसमें आप समझ लें कि आपको ओवरऑल 6.5 चाहिए, लेकिन मिनिमम आप 5.5 ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ी सी एक हाई बार ये है कि आपको राइटिंग में 6.0 जरूर चाहिए होंगे। राइटिंग क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी इंग्लिश कोर्स एक्सेप्ट करती है, पीएसएम का भी एक्सेप्ट करती है, और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी ने बताया है कि वो कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एक्सेप्ट करती है। लेकिन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि आप IELTS से शुरू करें। अगर IELTS आप नहीं कर पाते तो तब आप किसी और ईजी ऑप्शन की तरफ देखें, क्योंकि IELTS की जो है क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, उसमें वीज़ा लगने की रेशियो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं हमेशा IELTS को ही रिकमेंड करता हूँ। उसके अलावा एक मुश्किल मरहला है अप्लाई करने का। आजकल कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी बहुत ही डिले कर रही है एडमिशन प्रोसेस को भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग है। लेकिन अगर आप सितंबर सेशन में अप्लाई करने लगे हैं तो आप एम्बेसी की तरफ से ये ऑप्शन मौजूद है कि आप 6 मंथ पहले भी एडमिशन ले सकते हैं। सो अगर आप सितंबर को देख रहे हैं तो आप मार्च में एडमिशन ले सकते हैं और मार्च से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। बारह जहाँ तक अप्लाई का ताल्लुक है, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक फॉर्म है और काफ़ी इंटरेक्टिव फॉर्म है। अगर मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट ये है कि स्टूडेंट अपना फॉर्म खुद फिल करे। जितना अच्छा फॉर्म आप खुद फिल कर सकते हैं, सिवाय पर्सनल स्टेटमेंट का, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट का पाकिस्तान में लोगों को इतना तजर्बा नहीं होता अपनी एबिलिटीज को एक्सप्रेस करने का रिटर्न फॉर्म में। सो आप अपने वीज़ा काउंसलर से आप रिटर्न या जो उसका आपका जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो आप ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट फाइनल लुक आप उसको ज़रूर दें, खुद उसको रेक्टिफाई करें अगर कोई मिस्टेक्स हैं, बल्कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप खुद फिल करें तो आपके लिए बेहतर है। वैसे भी इनका एक सेल्फ सर्विस पोर्टल है, आपने वहीं जाके करना होता है। अगर आप किसी कंसल्टेंट को बोलेंगे तो वो भी यहीं से जाके आपकी इंफॉर्मेशन फिल करेगा। सो अगर आपसे खुद नहीं हो पाता, आपको मुश्किल लगता है, तो आप कंसल्टेंट के साथ खुद बैठ के इसको फिल करें। ये सबसे बेहतर ये तरीका कार है। उसके अलावा रैंकिंग की बात की, रैंकिंग जैसे मैंने आपको बताया कि मीडियोकर टाइप रैंकिंग है, इतनी हाई रैंकिंग नहीं है यूनिवर्सिटी की एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। लेकिन बहरहाल लोकेशन अच्छी है इस यूनिवर्सिटी की यूके के हवाले से, मतलब पूरे यूके को देखेंगे तो मिडलैंड एरिया में इसकी लोकेशन है, बर्मिंगम के पास है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बर्मिंगम के पास मिल सकती हैं अगर आप उस ट्रैवल को कंसीडर करें, ट्रैवलिंग टाइम को। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि एक नज़र आप कैंपस की जो तस्वीर है, जो उसके अंदर फैसिलिटीज है, उसको आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीज़ा काउंसलर जो होता है वो भी आपको जो वीज़ा सेक्शन ऑफिसर होता है वो भी आपसे इस तरह के सवाल पूछ लेता है और आपको यूनिवर्सिटी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो ना सही, लेकिन बारह फैसिलिटीज के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये एक वेबसाइट लिंक है जो आपको पूरे यूनिवर्सिटी के कैंपस का 360 टूर देता है, तो ये आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा यूनिवर्सिटी के लोकेशन के समझने के हवाले से। वैसे यूनिवर्सिटी की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, एक्सेस भी ईजी है, पार्किंग भी यूनिवर्सिटी की अपनी है, बहुत ज़्यादा पार्किंग का बहुत इशू होता है, तो उस वजह से ये ज़बरदस्त है। आगे बात करें इनके रीजनल ऑफिस की, तो मुझे उनका नंबर नहीं था मिल रहा, तो मैंने उनके फेसबुक पेज से ही ये नंबर लगाया है। आप इस नंबर पे रब्ता करके ऑफिशियल मालूमात ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको, सॉरी अब इसको एंडिंग नोट पर लेके चलते हैं। तो व्यूअर्स, बात कर रहा था मैं MBA प्रोग्राम के बारे में। मैंने आपको पेमेंट प्लान भी समझाया कितना फ़ायदेमंद है अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी के पेमेंट प्लान को कंसीडर करें। इसको IELTS को भी देखिएगा, पेमेंट प्लान को भी देखिएगा, मॉड्यूल्स को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे पहली चीज़ मॉड्यूल्स के बारे में पूछा जाता है और आपकी मॉड्यूल्स में ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जो कोर्स करने जा रहे हैं अगर आपको मॉड्यूल्स का ही नहीं पता, उसके क्रेडिट आवर्स का ही नहीं पता या असेसमेंट का तरीका ही नहीं पता, तो दैट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट इतना नहीं है कोर्स में, बल्कि आपका इंटरेस्ट किसी और एरिया में है, आपका यूके पहुंचने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वीज़ा काउंसलर इस बात को इस मामले से लेके जज करता है कि आपको कोर्स की कितनी मालूमात है, आपको पेमेंट प्लान की कितनी मालूमात है कि आप अपने नेक्स्ट फीस कब दे रहे हैं। उसके अलावा आप एक मशवरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप यूके में एडमिशन लें तो आप अपनी डिग्री को जल्द अज जल्द यूके नैरिक से उसकी इक्विलेंस आप ज़रूर ले लें। £60 की फ़ीस है आजकल, आप अप्लाई करें, वो आपको बता देंगे कि आपकी पाकिस्तान की डिग्री यूके की किस डिग्री लेवल के बराबर है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप भी एडमिशन लेने जाएंगे तो यूनिवर्सिटी को भी समझने में आसानी हो जाएगी कि आपकी जो डिग्री है वो हमारे जो यूके का जो लेवल है उसके किस के बराबर है, किस लेवल के बराबर है, एजुकेशन लेवल के बराबर। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी के किसी और कोर्स के बारे में बात करूं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।